सर्वप्रथम आह्वान करें परात्पर एवं परात्पराजन्नी की सम्मिलित दिव्य चेतना का, अवतरित होकर वर्तमान में परात्पर के प्रतिनिधि स्वरूप प्रादुर्भूत हुए महायोगी महर्षि अरविंद द्वारा विरचित सावित्री महाकाव्य के बुक वन कैंटो फोर 48वें पृष्ठ की पहली पंक्ति पर 11वें इंस्टॉलमेंट में हमारी चेतना को अपनी चेतना के साथ रखकर ऊर्ध्वारोहण कराएं, ताकि रखे गए भाव को, विचारणा को, मंत्रों को, सूत्रों को प्रकट होने पर ठीक ठीक देख सकें, जान सकें, सीख सकें, समझ सकें, तदनुरूप साधना के द्रुप पथ पर अपना कदम आगे बढ़ा सकें। इसी मनोभाव से हम प्रयत्न करते हैं। कहते हैं महायोगी, ए वाइडर कॉन्शियसनेस ओपन्स देन इट्स डोर्स इनवेडिंग फ्रॉम स्पिरिचुअल साइलेंसेस ए रे ऑफ द टाइमलेस ग्लोरी स्टूप्स अवाइल to commune with our seized illumined clay and leaves its huge white stamp upon our lives in the oblivious field of mortal mind revealed to the closed prophet eyes of trance or in some deep internal solitude witnessed by a strange immaterial sense the signals of eternity appear. पूर्व के कुछ भाव को साथ रखकर हम सरल भाव की ओर आगे बढ़ते हैं। भागवत चयनित मानव में परम सत्य ज्योति का शक्ति अग्निपात अथवा देवी प्रज्ञा सागर के अवतरित होकर प्रवेश पा जाने पर अपराप प्रकृति संचालन में अहम युक्त जीवन यापन एवं क्रियाकलाप सबके सब विदलित हो जाते और युगों युगों के महाप्रकृति के द्वारा श्रमित होकर किए गए क्रम विकास से सर्वोच्च विकसित अवस्था वाले विकसित मानव एवं धरती की करुण क्रंदन पुकार के प्रत्युत्तर में समूचा अहम जब भागवत परम ज्योति का शक्ति अग्निपात होता तब समूचा अहम समाप्त हो जाता। ऐसे महाभागवानों की अंतरात्मा का समस्त सत्ता स्तरों पर अवतरित हुई दिव्य चेतना का शासन छा जाता। बाह्य इंद्रिय प्रभावित क्रियाकलाप से उदासीन बने रहकर मानव की सब सत्ता स्तर अंतर्मुखी होकर स्व आत्म संस्पर्श पाकर ध्यान की गहराई में चुपचाप बैठकर आत्म गुई गुफाओं से बातें करते करते तब अनंत की विशालतर एक चेतना अवतरित होकर हमारी अभिव्यक्त सत्ता स्तरों के असत अचित अज्ञानांधकार आवरण से ढके
बंद मंद कुंठित द्वारों के खुल जाने पर दिव्य प्रकाश और प्रज्ञा में समस्त चेतना को उभारती और शक्तिशाली आत्मा की निरवता से इन बंद मंद कुंठित सत्ता स्तर प्रदेशों की जड़ीभूत माटी पर हमला करती और शाश्वत महिमा की एक दिव्य किरण शाश्वत की अधिकृत प्रतिनिधि बनकर इस व्यष्टि अभिव्यक्त मानव के माटी से बने सत्ता स्तरों से बतियाने को पृथ्वी पर अपने अनंत आकाश से अवतरित होकर झुकती रींझती है और हमारे देश काल सीमा बद्ध पराधीन जीवन पर विस्तृत विशाल शाश्वत की निज उज्ज्वल मुद्रा से मुद्रांकित करके स्वतंत्र कर देती है। परा से उतरी शाश्वत किरण से मानव सत्ता स्तर चिर मुद्रांकित बन उसके नश्वर मन के प्रवाहित विचारों की सतत श्रृंखला से रहित बनकर मन के विस्मारक प्रदेश पर समाधिस्थ मुनि नेत्रों की दृष्टि के सम्मुख ऋषि दृष्टा के गभीर अंतर में शाश्वत किरण एकत्व एकाकीपन में एकलता में समन्वित सत्ता स्तर अवतरित परादिव्यता की समाधि मग्न ऋषि ध्यान की दिव्य दृष्टि पर पड़ी छाप से उत्पन्न अद्भुत अरूप सूक्ष्म शाश्वतता दिव्यता से अपरिचित बोध में रूपों आकारों में गोचर बन अब मनस पटल पर शाश्वत प्रदेश के अद्भुत शाश्वत संकेत सिग्नल्स प्रवाहित होते दिखलाई पड़ने लगते। आज हम इस सारगर्भित विषय को यहीं विराम देते हैं। आह्वान पर अवतरित हुई परात्पर एवं परात्परा जननी की सम्मिलित दिव्य चेतना इन पर आरूढ़ होकर हमने सावित्री महाकाव्य के दिव्य सूत्रों मंत्रों को प्रकट होने पर देखा सीखा समझा जाना। अवतरित हुई परालोक की दिव्य चेतना से हम निवेदन करें प्रकट हुए इस ज्ञान विज्ञान को हमारी सत्ता के स्तरों में उचित स्थान प्रदान कराएं ताकि जब जब साधना के द्रुपद पर हमें इस ज्ञान विज्ञान की आवश्यकता हो तब तब यह ज्ञान विज्ञान जागृत होकर साधना के द्रुपद पर हमारा नेतृत्व कराए। इसी मनोभाव से हम कुछ क्षणों के लिए ध्यान की गहराई में प्रवेश कर जाएं, सचेतन सावधान सावचेत बने रहें। भागवत क्रिया हमारी सत्ता के स्तरों पर संपन्न होने जा रही है।